लखनऊ में अब से थोड़ी ही देर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये बैठक लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के सभागार में है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, क्षेत्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इसके अलावा सांसद, विधायक, आयोग, निगम बोर्ड के सदस्य भी शामिल होंगे। प्रदेश से करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में राजनीतिक प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर बीजेपी आगे बढ़ेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाएगी। तो बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आज होनी है, जिसे लेकर तैयारी लगातार चल रही है। बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है आने वाले उपचुनावों को लेकर। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में इन 10 सीटों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर खास तौर पर मंथन हो रहा है। संकेत लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक आज होनी है, क्या जानकारी बैठक को लेकर, और जरा बताइएगा आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? आपके पीछे भव्य मंच भी देख पा रहे हैं हम। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक है और इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और इस कार्य समिति के जो शुभारंभ सत्र का उद्घाटन में खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे और 2 बजे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वो इसका समापन सत्र में संबोधित करेंगे और आपको मंच दिखाएंगे। मंच है यहीं पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है कार्य समिति की। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है इस मंच पर। और इसके अलावा जो 3000 लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ये पहला मौका है कि उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्य समिति के लिहाज से अगर देखा जाए कि 3000 लोग आमंत्रित किए गए हैं। इससे पहले 300 से ज्यादा लोग रहते थे और ये विजय बहादुर पाठक जी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ आज की कार्य समिति में रहने वाला है? क्या संकेत बाबू, सब संकेत साफ है, प्रदेश कार्य समिति है। प्रदेश कार्य समिति में प्रस्ताव है, अध्यक्ष का उद्बोधन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है, तो स्वाभाविक रूप से आगे चुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश में जैसे रहे सब जानते हैं, तो आगे के जो कार्यक्रम है उन आगामी कार्यक्रमों को लेकर हम चर्चा करेंगे। आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा करेंगे। एक बार हम दिखाएंगे जो ये आप देख सकते हैं, तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं इनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं और मंच भी पूरी तरीके से तैयार है। प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, क्या कुछ रहने वाला है आज की कार्य समिति? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी जुटते हैं तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा संकल्प लिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2047 के लिए 24x7 काम करना। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन कल्याण के संकल्प के साथ, भारत के विकास और उत्तर प्रदेश के विकास के संकल्प के साथ जो है संगठन को किस तरह से और चुस्त दुरुस्त और सक्रिय किया जाए उस पर निश्चित तौर पर संकल्प लेने की दृष्टि से आ जाए। बिल्कुल, आज मंथन होगा कार्य समिति की बैठक में। अमर पाल मौर्य जी हैं, ये राज्यसभा के सांसद हैं और संगठन में लंबे समय तक आप सक्रिय हैं, क्या लग रहा है आज की कार्य समिति में, क्या कुछ रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति है जो हमेशा एक रूटीन परंपरा है और हमारे जो है कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर सभी जिले से आए हुए हैं। मुझे लगता है कि इस प्रदेश कार्य समिति से एक नए उत्साह और उमंग के साथ कार्यकर्ता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है काम करेगा। ये बड़ी बात कही दरअसल इन्होंने, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे उन नतीजों के बाद अगर देखा जाए तो ये कार्य समिति की बैठक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ इसी तरीके से है कि आज की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और आगे का एजेंडा तय करेगी कि आगे किस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जुटना है। और दरअसल उपचुनाव भी नजदीक है, इसके अलावा 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो आज की जो ये कार्य समिति की बैठक है इसमें मंथन होगा, उस वो मंत्र निकलेंगे जिन
मंत्र के सहारे भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जुटेगी और अपने आप को मजबूत करेगी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वही जो पुराने रिजल्ट आते थे लगातार, जो भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो चुनाव नतीजे खराब रहे, लेकिन उसके पहले 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीते। तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया जाए। यही वो वजह है कि 3000 लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। ये हैं, आप देख सकते हैं, त्र्यंबक त्रिपाठी जी हैं, हालांकि बोलने तैयार नहीं है, लेकिन ये है, इतना तो बताया। संतोष सिंह जी बोलेंगे, त्र्यंबक जी तो नहीं बोल रहे हैं। ये बताइए कि क्या आज की कार्य समिति में होने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्य समिति जब शुरू होगी तो उसमें एजेंडा आएगा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय भाषण होगा, उसके बाद उस पर और विषय आएंगे, राजनीतिक प्रस्ताव आएगा और लास्ट में माननीय दोनों उप मुख्यमंत्रियों का भी संबोधन होगा, अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका समापन करेंगे। और भी हम दिखाएंगे, ये कमलेश मिश्रा जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं अवध क्षेत्र के, आप ही क्षेत्र में ये कार्य समिति की बैठक हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव के बाद की पहली कार्य समिति है और हम लोगों की व्यवस्था है कि कार्य समिति के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम अभियान को गति देते हैं, तो आज उस निमित्त परंपरागत बैठक है, जैसे हम लोगों की बैठकें होती हैं, इसके बाद जिले की कार्य समितियां और फिर मंडल की कार्य समितियां नीचे तक जाएंगे। ब्रज बहादुर जी हैं, ये मंच पर हैं, लेकिन हम इनसे बात करेंगे। ब्रज बहादुर जी, आप वहीं से बता दीजिए कि क्या कुछ रहने वाला है, चूंकि आप मंच पर हैं तो बढ़िया बताएंगे। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी डेलीगेट्स आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, सभी हमारे जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ एक बार फिर से अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ सभी लोग, बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा लगातार वहाँ से जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल संकेत, आप बातचीत करते रहिए तमाम पदाधिकारियों से, और ये आज बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है काफी अहम इससे माना जा रहा है और कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, खासतौर पर उपचुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संकेत।